अदलिया पर संगीन इल्जामात, अवामी मफाद का मामला है। वजीर आजम ने भी अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट में जज अरशद मलिक की वीडियो स्कैंडल केस की समाअत के दौरान वकील मुनीर सादिक के दलाल चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, अदालत आपकी डिमांड पर नहीं चलती, सो मोटो अदालत खुद लेती है। किसी की डिमांड पर लिया गया नोटिस सो मोटो नहीं होगा। एहतसाब अदालत, इस्लामाबाद ने पीपल्स पार्टी रहनुमा रोबीना खालिद के खिलाफ रेफरेंस, अदालत का पीपल्स पार्टी के सेनेटर पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। मुलजिमान पर 23 तारीख को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। NA 205 घोट की जिमनी इंतखाबात का मामला, अदालत ने पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद बख्श मेहर की नाहली की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने मोहम्मद बख्श मेहर को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी। अदालत ने मुखालिफ फरीक को भी जिमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट क्वेटा भी वीडियो लिंक की दुनिया में शामिल। सुप्रीम कोर्ट क्वेटा रजिस्ट्री में तमाम फौजदारी मुकदमात निपटा दिए गए। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा कहते हैं क्वेटा रजिस्ट्री में फौजदारी मुकदमात की कोई अपील बाकी नहीं रही, आखिरी अपील भी आज निपटा दी है। पाकिस्तानी फजाई हदूद पर आयद पाबंदी खत्म, CAA ने पाबंदी खत्म करने का बाकायदा नोटिस जारी कर दिया। भारत समेत तमाम ममालिक की एयरलाइंस पाकिस्तानी हदूद इस्तेमाल कर सकेंगी। पाक भारत कशीदगी पर ईस्टर्न फजाई हदूद 27 फरवरी से बंद थी। आइंदा 2 माह के लिए मॉनिटरिंग पॉलिसी का ऐलान आज होगा। पॉलिसी रेट का हतमी फैसला गवर्नर स्टेट बैंक करेंगे। आइंदा 2 माह के लिए शराय सूद का तायुन होगा। पॉलिसी रेट इस वक्त 12.25% है। मॉनिटरिंग पॉलिसी के ऐलान से कबल सरमायाकार मोहताज, शेयर बाजार में मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 105 पॉइंट्स की कमी, 33,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। और इंटरबैंक में डॉलर के कद्र में उतार चढ़ाव, 14 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान 107.90 रुपए तक रिकॉर्ड किया गया।